मुंह में दबा लें ये चीज़, मुंह में डालकर चूस लें थोड़ी देर ये चीज़, आपका भाग्य जागृत होगा, आपका सुख सौभाग्य आपको मिलेगा, वर्षों से दबी हुई इच्छा पूरी होगी, आपके हर काम बनने लगेंगे बिना रुकावट के, आपके पास पैसा आता जाएगा, ऐसी स्थिति आपकी होगी। तो आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है, आपको मुंह में क्या चूसना है, क्या डालना है और क्या ऐसी चीज़ है जो दबाने मात्र से ही आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, आज के वीडियो में यही बताने वाली हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है, आज भी आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? अपने हालचाल बताते रहा करिए, अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, सदा तरक्की करते रहें, सदा खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, यही मेरी ब्लेसिंग्स उनके लिए होती है, वो सदा तरक्की करते रहें, पनपते रहें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि मुंह में आपको क्या चीज़ है ऐसी है जो चूसने मात्र से ही आपको लाभ की प्राप्ति हो जाती है और आपके हर मनोरथ पूर्ण होने लग जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आज आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो आपका मैं स्वागत करती हूं और आपसे रिक्वेस्ट करती हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए इसी तरह की बेहतरीन जानकारी पाने के लिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, मुँह में जो चीज़ ली जाती है वो हमारे दांतों के द्वारा हम स्पर्श करते हैं तो हमको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन तुलसी का पत्ता ऐसी चीज़ होती है जिसका दांतों के द्वारा चबाया नहीं जाता है, उसको चूस कर आप अपने गले में स्थान देते हैं, मतलब उसको चूस लेते हैं तो ही आपको फ़ायदा मिलता है। दांतों से उसको टच नहीं करना चाहिए, इसका शास्त्रों में निषेध किया गया है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये उत्तम नहीं है और दांत भी आपके इससे कमज़ोर होते हैं, तो इससे आपको बहुत बचना चाहिए। अगर आप केसर की जो लीव होती है अगर आप चूसते हैं तो उसका उसके प्रभाव से आपका बृहस्पति अच्छा होता है, सूर्य अच्छा होता है और आपका मान सम्मान और प्रतिष्ठा चारों दिशाओं में फैलती है और आपके पास बहाने मार मार के धन का संचार होने लगता है, आपके पास बहुत कुछ स्वर्ण भी आने लगता है, ऐसी स्थिति आपकी हो जाती है। अगर आप मिश्री चूसते हैं तो आपका चंद्रमा प्रफुल्लित होता है और चंद्रमा के प्रफुल्लित होने से आपका मन प्रफुल्लता को प्राप्त होता है और आपके मन में अच्छे अच्छे आइडियाज़ धन कमाने के भी आते हैं और बिजनेस को ग्रो करने के भी आइडियाज़ आपके जीवन में आते हैं। अगर आप गुड़ का सेवन चूस के करते हैं, गुड़ अक्सर चूसते हैं तो आपका मंगल प्रबल होता है, आपका गुरु प्रबल होता है और आपका सूर्य प्रबल होता है। जिस व्यक्ति के ये तीनों ग्रह प्रबल होते हैं उसकी प्रतिष्ठा और मान सम्मान चारों दिशाओं में होता है, उसका दबदबा और प्रभुत्व कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता, उसका दबदबा और प्रभुत्व चारों दिशाओं में फैलता है और चारों दिशाओं से उसके पास पैसा आता है। हालांकि दिशा 10 होती है तो 10 दिशाओं से पैसा बरसेगा ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। कुल मिला के उसके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती और ऐसा व्यक्ति जमींदार होता है या किसी कलेक्टर होता है या उच्च पद पर आसीन होता है जिसके ये ग्रह प्रबल होते हैं, तो उसका दबदबा चारों दिशाओं में रहता है और उसकी बात हर कोई मानता है, उसका प्रभुत्व हर कोई स्वीकार करता है। मुंह में डाल के आप इलायची का सेवन करते हैं और चूसते रहते हैं छोटे इलायची को, ऐसा करने से आपका सूर्य अच्छा होता है और शुक्र अच्छा होता है। शुक्र जिसका अच्छा हो उसका भौतिक संपदा का विकास होता है और उसके घर में बहुत धन आता है, बहुत पैसा उसके पास होता है और वो उच्च पद पर भी आसीन होता है, गैजेटेड ऑफिसर या सरकारी अधिकारी वो होता है। शुक्र के प्रभाव से वो सौंदर्य का धनी भी होता है। मित्रों, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे पति पत्नी में अगर मतभेद है, पति पत्नी में वैमनस्य है तो आप एक दूसरे का शहद चूस लीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और एक दूसरे की ये चीज़ चूसने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। एक दूसरे की एक ही चम्मच से आपको शहद टपकाना है अपने भी मुंह में और पति के भी मुंह में और उसको आपको चूसना है, चूसना ही है, मतलब चूस चूस के उसको निगल जाइए। ऐसा करने से आपको बेहतर परिणाम होंगे और आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा और आपके जिंदगी में सोया हुआ प्यार तुरंत जागृत होगा, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना, और भी चीज़ें बताऊंगी जिनको आप चूज सकते हैं और जिनसे लाभान्वित भी आप हो सकते हैं, ये फिर किसी वीडियो में बताऊंगी। हालांकि हल्दी का जो सेवन होता है या दही का जो सेवन होता है वो चूस चूस के आप करते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलता है, चाशनी आप चूसते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है, अनेक चीज़ें ऐसी होती हैं जो चूसी जा सकती हैं। आप गुणी जन हैं और आप स्वयं अपने अनुभव के आधार पर ये चीज़ महसूस करिए कि क्या चीज़ आपको चूसनी चाहिए और क्या चीज़ आपको नहीं चूसनी चाहिए। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो
तो लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी जानकारी सबसे शेयर करा करिए जिससे सबका भला हो सके, सबकी ब्लेसिंग्स आपको मिल सके और आपके थ्रू मुझे भी ब्लेसिंग्स की प्राप्ति हो सके, मित्रों हो सके। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा।